वन पीस फैंस तैयार हो जाओ, आज तुम लोगों के लिए मेरे पास बहुत सारे वन पीस रिलेटेड अपडेट्स है। कल था वन पीस डे एंड वन पीस डे स्पेशल हम लोग को वन पीस रिमेक के बारे में बहुत सारे अपडेट्स मिले। वन पीस रिमेक बाय विट स्टूडियो जो कुछ टाइम पहले अनाउंस हुआ था, आज इसी की स्पेशल उन लोगों ने हम लोगों को अपडेट दिया। यूट्यूब पे एक 20 मिनट की वीडियो पोस्ट किया जिसके बारे में वन पीस रिमेक के बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में बातचीत किया, और आज एक ही वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को सारे अपडेट्स देने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, वन पीस रिमेक के लिए वन पीस वालों ने एनिमे के एवेंजर्स टीम को कलेक्ट किया है। यस, तुमने सही सुना, द मोस्ट पॉपुलर एनिमे स्टफ फ्रॉम द एनिमे कम्युनिटी सब एक साथ मिलकर इस रिमेक के अंदर काम करने वाला है। अब बात करें स्टफ के बारे में, स्टफ फ्रॉम ब्लू लॉक, स्पाय फैमिली, हाइक्यू, बोरूटो, माय हीरो एकेडमिया, फूड वॉर्स, ड्रैगन बॉल सुपर, ब्लीच, डेमन स्लेयर, टोक्यो गोल, डॉक्टर स्टोन, काइजू नंबर 8 एंड जोजो अर्स के साथ अटैक ऑन टाइटन, और बहुत सारे अलग अलग एनिमे के स्टफ एक एनिमे के अंदर काम करने वाला है। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि इतने सारे बिग स्टफ एक ही एनिमे के लिए काम कर रहा है, और ये सारे बिग नेम्स आर इनफ हमको बताने के लिए कि इसकी क्वालिटी कैसी होने वाली है। वन पीस फैंस आर विनिंग ब्रो, उन लोगों ने हमारे सामने वन पीस रिमेक बाय विट स्टूडियो के स्नीक पीक शेयर किया है, जैसे यहाँ पर तुम लोग फर्स्ट स्नीक पीक देख सकते हो जो एकदम बिल्कुल मांगा की तरह लग रहा है भाई। एंड हियर इज द सेकंड वन एंड इट लुक्स सो गुड भाई। एंड हियर इज द थर्ड वन जहां पर हम लोग लूफी, नामी को एक साथ देख पा रहे, और यहां से तुम लोगों को पता चल रहा है कि भाई इसकी एनिमेशन कैसी होने वाली है। दिस नॉट इवन द फाइनल वर्क, बस आर्ट वर्क है ब्रो। एंड हियर इज अनदर स्नीक पीक बाय विट स्टूडियो जहां पर हम लोग जोरो का आइकॉनिक मोमेंट देख रहा है ब्रो। ये देख के हम लोगों को लग ही रहा है कि भाई विट स्टूडियो गोना कुक समथिंग सो बिग। ये सारे के सारे चीजें देखने के बाद वन पीस फैंस ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खुश है, एंड सब लोग सेटिस्फाइड है ये एनिमेशन देख के, बिकॉज जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर वन पीस फैंस को मिल रहा है यहाँ पर। अभी सर स्नीक पिक के बाद हम लोगों के सामने कैरेक्टर डिजाइन को रिवील किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल लूफी कैरेक्टर डिजाइन जो तुम लोग देख सकते हो, ओरिजिनल कैरेक्टर डिजाइन उन लोगों ने रखने की कोशिश की, कैरेक्टर के जो आर्ट स्टाइल है ये उन लोगों ने चेंज किया नहीं, जो मेरे को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी ये लूफी लुक सो गुड सिंपल के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया कैरेक्टर डिजाइन में। आगे हियर जोरो एंड सांजिस कैरेक्टर डिजाइन बाय विट स्टूडियो जो बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर मेरे को कलर बहुत ज्यादा एनहेंस्ड लग रहा है, बिकॉज जोरो बहुत ज्यादा सफेद दिख रहा है जो दिखने में मेरे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। और आगे हम लोगों के सामने नामी एंड उत्सव का भी कैरेक्टर डिजाइन रिवील कर दिया गया, ये भी बहुत बढ़िया है। और सब लोग उत्सव के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई उत्सव इज ब्लाइंडली व्हाइट, सबको ब्लीच से धो डाला उन लोगों ने। ये सारे चीजों के बाद हम लोगों को पता चला अबाउट अटैक ऑन टाइटन की पूरा टीम यहाँ पर मौजूद है इसके ऊपर काम करने के लिए, जैसे द बोर्ड मेंबर ऑफ विट स्टूडियो जिनका नाम है तेत्सुया नाकाताके, इन्होंने अटैक ऑन टाइटन एंड काबिनारी ऑफ द आयरन फोर्ट्रेस के ऊपर काम करके रखा है। और यहाँ पर एनिमेशन प्रोड्यूसर है रियुमा कामामोरा जिन्होंने मूनराइज एंड अटैक ऑन टाइटन के ऊपर काम करके रखा है, एंड कैरेक्टर डिजाइन एंड चीफ एनिमेशन डायरेक्टर है क्योजी आसानो अगेन जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन एंड स्पाय फैमिली के ऊपर काम करके रखा है, एंड वन पीस रिमेक के डायरेक्टर मासाकी कोइजुका जो थे अटैक ऑन टाइटन एंड मूनराइज के डायरेक्टर। यस मेरे भाई तुम लोगों ने सही सुना, ईओटी के डायरेक्टर इस वन पीस रिमेक को डायरेक्ट करने वाला है। वी वन पीस फैंस आर विनिंग हियर। अगर पर्सनल ओपिनियन दो तो मैंने खुद भी नहीं सोचा कि वन पीस रिमेक के ऊपर वो लोग इतना ज्यादा फोकस करेंगे, इतना खतरनाक टीम बनाएंगे रिमेक के लिए। पूरे एनिमे इंडस्ट्री के अंदर जितने पॉपुलर स्टफ थे सब लोगों उन्होंने खरीद लिया कि चलो सब लोग अभी वन पीस के लिए काम करो। अभी वन पीस रिमेक के लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है भाई। यार वन पीस वालों के पास अनलिमिटेड बजट है, सच्ची बता रहा भाई। एक ही टाइम पर मल्टीपल फील्ड में वो लोग पैसे के ऊपर पैसे लगाते हुए जा रहे हैं। वन पीस रिमेक हो जाए, लाइव एक्शन हो जाए, या फिर वन पीस के वीकली एपिसोड जहां पर भी वो लोग फोड़ते हुए जा रहे हैं। आगे मासाशी कोइजुका जो अटैक ऑन टाइटन एंड मूनराइज के डायरेक्टर जो अभी फिलहाल वन पीस रिमेक को डायरेक्ट करने वाला है, उन्होंने बोला मैं इसको एज अ लॉन्ग सीरीज फेस करने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग जो बना रहे हैं वो अगर लोगों को पसंद आए तो हमको पता है हम लोग इसको लॉन्ग रन में बनाने वाले हैं। फिर तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि सब लोग हमारे काम को प्यार दे रहे हैं। मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ एक लंबे समय के लिए। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस वर्क फॉर एवर। आई होप यहाँ से तुम लोगों को बहुत कुछ पता चल गया। एओटी के डायरेक्टर यहाँ पर बेसिकली बोल रहे कि जो सीरीज है उनको मिला है एज अ लॉन्ग रन सीरीज, तो फर्स्ट सीजन के अंदर लोग जो काम कर रहे वो अगर लोगों को पसंद आए तो वो काम उन लोगों को सेकंड सीजन, थर्ड सीजन और ऐसे कंटिन्यूअसली मिलता जाएगा। और ये सब कुछ डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, लोग इसको प्यार दे रहे या फिर नहीं। जस्ट लाइक वन पीस लाइव एक्शन आने के बाद एकदम नंबर वन पे ट्रेंडिंग में चला गया, इसका सीजन 2 आ रहा है अभी। तो वैसे ही अगर तुम लोग इसको प्यार दोगे तो ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाला है फॉर श्योर। अगर डायरेक्टर ने ये भी बोला मुझे पता था मैं स्टूडियो के अंदर सबसे ज्यादा वन पीस को प्यार करता हूं, तो इसी वजह से मैंने इस प्रोजेक्ट को लिया और मैं नहीं चाहता था कि कोई और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे, डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं।
प्लीज लुक फॉरवर्ड टू इट, थैंक यू। तो यहाँ पर वन पीस के डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इसके ऊपर काम करने के लिए, बिकॉज वो वन पीस को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और जब तुम अपने फेवरेट चीज के ऊपर काम करते हो तब काम करने का मजा अलग आता है भाई। And I still remember some UT fans were hating One Piece. अभी उनके डायरेक्टर इनके ऊपर काम कर रहे हैं। We are winning boys. अब ये सारे चीजों के बाद आगे हम लोगों के सामने कुछ स्क्रीनशॉट रिवील किया गया जितना काम उन लोगों ने किया, थोड़ा बहुत फाइनल टच को छोड़ के उतना काम हम लोगों को दिखाया गया। जैसे यहाँ पर सांजी का मोमेंट देख लो जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, एनिमेशन इज चुम्मेश्वरी। आगे उस वाला मोमेंट हम लोगों को दिखाया जा रहा है जिसका एनिमेशन अगेन चुम्मेश्वरी है भाई। यहाँ पर तुम जितना भी एनिमेशन आर्ट क्वालिटी जो भी क्यों ना देख लो भाई, सारे के सारे चीज के क्वालिटी अलग लेवल पर लेकर गए वो लोग। यहाँ पर बगी को भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है इस आर्ट के अंदर। इसके साथ और भी बहुत सारे अलग अलग स्नेक पिक हम लोगों के सामने दिया गया। यहाँ पर मेरे को ये स्नेक पिक बहुत बढ़िया लगा जोरो एंड कुएना का, यार ये एनिमेशन आर्ट स्टाइल मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मुझे तो देखना ही पड़ेगा भाई इसको। एंड दिस इज द मोमेंट जहाँ पर हमारे क्रूमेट्स एक साथ है भाई, ये मोमेंट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मेरे भाई याद है ये ओरिजिनल एनिमे के अंदर कैसा था? याद नहीं है तो देख लो, यह ओरिजिनल एनिमे का सीन और नीचे वाला है रिमेक का सीन। भाई बहुत ज्यादा फर्क है, उन लोगों ने जो काम किया ना वो तारीफ करने लायक है ब्रो। इसको छोड़ के हम लोगों को और भी बहुत सारे स्नेक पिक देखने को मिला एक एक करके, तुम लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। शैंक्स को देखने को मिला, बगी को देखने को मिला, जोरो को देखने को मिला। एंड यस वन मोर थिंग, जैसे टॉय एनिमेशन के अंदर हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा सेंसर रहता है ब्लड स्लट के अंदर, वैसे इसके अंदर कोई सेंसर होने नहीं वाला। फॉर एग्जाम्पल सांजी का मोमेंट देख लो, टॉय एनिमेशन में हम लोगों को दिखाया था कि भाई कोई ब्लड ही नहीं है, बट ट्विट स्टूडियो की तरफ से हम लोगों को दिखा रहा है चारों तरफ से ब्लड है। बिना सेंसर के वन पीस मचाने वाला है फॉर रियल। और ऊपर से एओटी के स्टफ काम कर रहा है, सेंसर तो भूल ही जाओ। अरे पर जितने स्क्रीनशॉट में तुम लोगों को दिखाई ये फाइनल वर्क नहीं है, इसके ऊपर फाइनल वर्क अभी भी बाकी है, काम वो लोग कर रही है, बस स्नेक पिक हम लोगों को दिया है। बाकी मैं चाहता हूं तुम लोग पूरे चीज के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर करो। और हाँ, ये जो रिमेक है, ये रिमेक बनाने के पीछे रीजन क्या है? ऑफ कोर्स जो वन पीस का लेंथ है बहुत ज्यादा खींचता है कभी कभार, स्लो पेसिंग जो है उसको फिक्स करने के लिए। वन पीस रिमेक का पेसिंग देख के तुमको मजा सा जाएगा भाई। एंड स्पेशल दिस फॉर दोस्त जो लोग वन पीस को ट्राई करने के लिए डरते हैं कि भाई वन पीस की एनिमेशन पुरानी है, स्टार्ट करना चाहता हूं बट एनिमेशन अच्छा नहीं लगता है, वन पीस के अंदर बहुत ज्यादा यू नो पेसिंग इशू है, तो उन लोगों के लिए स्पेशल इसको बनाया गया ताकि जिन लोगों ने कभी वन पीस को देखा नहीं सारे रीजन की वजह से वो लोग वन पीस को ट्राई कर पाए विद बेटर क्वालिटी एंड बेटर पेसिंग। मैंने आज से एक साल पहले तुम लोगों को बोला था देयर विल बी अ टाइम जब सब लोग वन पीस को देख लेंगे और देखने के बाद देयर फेवरेट एनिमे विल बी वन पीस। और वन पीस वालों ने अभी खुद एक रास्ता ओपन कर दिया उन लोगों के लिए विद बेटर क्वालिटी, बेटर पेसिंग, बेटर एनिमेशन। तो यार बाकी तुम लोग पूरे टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन दो। और यहाँ पर एक वन पीस का न्यू एंडिंग भी आ रहा है बहुत ही जल्द, हमारे सामने रिवील किया गया। और इसके साथ साथ वन पीस ने ऑफिशियली एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया विद 300 डीवीडी रिलीज। चलो आज के लिए सारे अपडेट तुम लोगों को बस एक ही वीडियो में देना था, मैंने दे दिया। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।